हेलो फ्रेंड्स। और आज मेरा एग्ज़ाम था नेवी MR का मॉर्निंग शिफ्ट में। आज है 7 तारीख, 7 फरवरी 2020। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे हमने यहाँ पे लिख के रखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैनल बने हुए हैं जो क्वेश्चन भेजते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत रहते हैं। फ़िलहाल तो ये हम ही पेपर दे के आए, तो हमने एक भी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं लिया है, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। और आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि पहला क्वेश्चन आया था, पोलो गेम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो पोलो गेम में 4 होती हैं। और मिज़ोरम की राजधानी पूछा था, मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल है। और ईरान की मुद्रा पूछा था, ईरान की मुद्रा जो है वह रियाल। और असम का लोक नृत्य बिहू। और ये फुल फॉर्म भी आया था, एक IPCC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और एक किरचाफ नियम से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ लाइन दे रखा था, एक स्टेटमेंट था, तो वो पूछा था कि ये किस नियम से संबंधित है, किरचाफ नियम 1, किरचाफ का नियम 2, किरचाफ नियम 3, ऐसे ऑप्शन दे रखा था, वो हमें याद नहीं इस वक्त। और एक क्वेश्चन था, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये एक क्वेश्चन आया था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, न्यूटन का नियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, जो सही से याद नहीं है, अगर याद होता तो मैं लिख देता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक खेल में ध्वज में रंगों की संख्या कितनी है, ये भी आया था, इसमें 5 था, ये तो आंसर सही किए थे हम। और सुनीता विलियम्स किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन भी आया था 2018। इस बार ऐसा हुआ कि 2020 में हम लोग पेपर दे रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर जो पूछा गया है वो 2018 का पूछा गया। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत पहले डिज़ाइन कर लिया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो प्रेजेंट टाइम में तो जम्मू कश्मीर है और सेकेंड नंबर पर लद्दाख है, लेकिन वहाँ पर ये ऑप्शंस में नहीं था, तो उस ऑप्शंस में तो अंडमान निकोबार सही था। जो भी इसको करके आए होंगे तो उनका तो सही हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन था, भाप इंजन की खोज किसने की थी, भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया था। और एक ये क्वेश्चन था, भूटान की राजधानी थिम्पू, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह बिहार में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये तो भी हम बता ही चुके हैं, अंडमान निकोबार। और नौटंकी किस राज्य से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया था, तो नौटंकी तो यूपी से संबंधित है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। 100 रुपये का सिक्का के बारे में पूछा था कि 100 रुपये के सिक्के में किसकी स्मृति, या कुछ सही से याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। और एक ये क्वेश्चन था, दीपिका पल्लिकल किससे संबंधित हैं, तो ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। और उसमें काफ़ी ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शंस में था कि बैडमिंटन है, टेनिस प्लेयर हैं, ऐसे काफ़ी ऑप्शन से। और ये क्वेश्चन भी आया था, भारत की राजधानी कब बनी, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1911 हम तो टिक करके आए हैं। भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश है, तो शायद बांग्लादेश है। कुछ क्वेश्चन सही, यह हो सकता है क्वेश्चन में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से था कि भारत के पड़ोसी देश उत्तर के उत्तर पूर्वी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो सही से याद नहीं, लेकिन जैसे जितना भी मुझे याद था तो मैंने वो लिख दिया है। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मतलब इतना ही था कि आपको क्वेश्चन बताया जा सके कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो उसमें कुछ लोग गलत क्वेश्चन बताया करते हैं, हालांकि उनकी गलती तो नहीं है, क्योंकि बच्चे ही उनको गलत क्वेश्चन बता देते हैं तो वो तो अपलोड कर देते हैं। तो ये हम ही पेपर देने गए थे, तो इसमें तो बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, आप विश्वास कर सकते हैं। और मेरा कोई खास चैनल वैनल नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम चैनल पे वीडियो बनाने के लिए हम कुछ भी बना दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम ये आप लोगों को पहुँच सके ये वीडियो, इसलिए इसको बनाए हैं। और जो बच्चे आज पेपर दिए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जिनको ये लग रहा है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं आए थे, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दे कि हाँ ये क्वेश्चन आए हुए थे, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखा था। और इसमें जो भी क्वेश्चन मिसिंग है, जो हमने नहीं लिखा, हमें याद नहीं थे, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो अगली शिफ्ट में जिनका पेपर होना है, या और अगले दिनों में जिनका पेपर होना है, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। और
जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख दें कि हाँ ये क्वेश्चन आए हुए थे, और जो क्वेश्चन अगर उन्हें याद हो तो वो क्वेश्चन भी बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।